मंदिर का कलश हो कि मस्जिद के मीनारे, इतना रहा है जो ताज जमुना के किनारे, जिंदा है वो मजदूर के मेहनत के सहारे। मैं महाराष्ट्र से आया हूं तो 1 अगस्त को केवल महाराष्ट्र ने नहीं तो पूरे भारतवर्ष ने और दुनिया ने जो है 1 अगस्त को अन्ना बहु साठे, कॉमरेड अन्ना बहु साठे जो कि साहित्यकार थे और लोक साहित्य थे, उनकी जयंती मनाई तो अन्ना बहु कहते थे ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उन्होंने 16 अगस्त 1947 को मोर्चा निकाला था, उन्होंने उसी वक्त बोल दिया था ये आजादी झूठी है, 10,000 कामगारों को लेकर उन्होंने ये मोर्चा निकाला था। तो वो हमेशा कहते थे कि ना कछुए के पीठ पर, ना कछुए के पीठ पर, ना शेष नाग के फन पर, ये पृथ्वी टिकी है तो बस किसान और मजदूर के दोनों मजबूत भुजाओं पर। तो ये जो है ये फिरका परस्त ताकतें जो है ये आज इस कदर इनको मतलब ये गुरूर आ गया है कि फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। ये मोदानी मॉडल जो है डॉक्टर सुनील राम जी हमारे साथ में है, उनका पेटेंट मैंने ये लिया, मोदानी बोले तो मोदी अंबानी अदानी, तो मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। 15-15 लाख आए क्या? इनके एजेंडे में था ये स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन हुआ क्या? महंगाई दूर हुई क्या? बेरोजगारी दूर हुई क्या? नहीं, तो उल्टा जीडीपी -23% हो गया। तो सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। मेरे देश की जनता कैसे नादान बन गई। तो ये जो फिरका परस्त ताकते हैं तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संघर्ष है वो हमको क्या कहते हैं, आंदोलनजीवी, श्रमजीवी, मेहनत कर जनता को आंदोलनजीवी कहते हैं। लेकिन ये जो संघर्ष है, मैं कहूंगा कि गांव जो होता है वो केवल गांव नहीं होता है, कभी भी गांव कभी गांव नहीं होता, वो खेत और खलिहान हर गांव में लहलाते हुए होते हैं। उसी तरह इसी खेत खलिहानों में काली मिट्टी होती है उर्वर, और उस उर्वर मिट्टी से दानेदार भुट्टे निकल आते हैं, और वो भुट्टों का जो संबंध है वो हिंसा के पेट से होता है, उसके अस्मिता से होता है। तो ये जब ये जो भुट्टे हैं, ये भुट्टे जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो पूरा गांव एकांत में अकेले में रोता है। तो ये जो है ये मेहनत कर जो है, तो किसान जो है केवल अन्नदाता नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो है वो रोटी खाता है, बेलता है, एक आदमी है वो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है वो दल्ला कौन है आपको मालूम है? आपको मालूम है ये जो दल्ला है, ये चौधरी टुकुराम सीगर जी जो थे, जो रायबर आजम हम उनको कहते हैं, और किसान मसिया, तो उन्होंने कहा था ए मेरे भोले भाले किसान और मजदूर, मेरी दो ही बातें मान, एक तू दुश्मन को पहचान, एक तू बोलना सीख, एक तू बोलना सीख और दूसरी बात दुश्मन को पहचान। तो मैं सबसे पहले हमारे जो पंजाब के यहाँ पे सरदार बैठे हैं उनका मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो लोकतंत्र नष्टप्राय हो चुका था, जो संविधान होने जा रहा था, तो एक तरह से इस बॉर्डर पे मैंने देखा कि हमारे जो नौजवान जमात लोग थे उन्होंने बैरिकेड तोड़े, जो बैरिकेड लोहे के वो तोड़े नहीं उन्होंने खाली, तो उन्होंने जात धर्म नस्ल ये प्रांत भाषा लिंग भेद ये सब के उन्होंने बैरिकेड तोड़कर लोकतंत्र का पाठ ये बॉर्डर पे पढ़ाया जा रहा है। तो आज मेरे सामने मेला दीदी भी मेरे को सुन रही है, तो जिस तरह से ये किसान संघर्ष समिति बनी उसी तरह से लिंगराज जी भी है और श्रीराम जी भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भी आदिवासी के बीच काम करते, तो आदिवासी सबसे ज्यादा मजलूम है और आदिवासी को सबसे ज्यादा मारा जा रहा है आज। तो मैं कहूंगा कि आदिवासी का भी इसी तरह से एक संयुक्त समिति बने, जिसका प्रयास मैं कहूंगा कि विभीषण और चंद्रशेखर जी ने हैदराबाद में किया था, जिसमें 85 संगठन आए थे, तो इसी तरह से प्रयास जो है उसी तरह का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में हमें यह लड़ाई अकेला जो अकेला अकेला लड़ेंगे तो नहीं मिलेंगी। इसलिए किसान मजदूर बाद में विद्यार्थी युवाओं के बारे में मैं कहूंगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा युवा है, भारतवर्ष में 70 करोड़ युवा है, 70 करोड़। और आप देखोगे कि बिरसा मुंडा हो, 25 साल में बिरसा मुंडा ने क्रांति की थी, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजकीय धार्मिक टोटल उन्मूलन किया था दिक्कतों के खिलाफ, और उसका यही कहना था कि जो आखिरी तबके का हसीये का आदमी है वो जो है भयमुक्त और
शोषण मुक्त वो रह चुके। तो इसी तरह शहीद आजम भगत सिंह ने भी 25 साल में ही उन्होंने किया था क्रांति। तो इसलिए मैं आह्वान करते हुए मैं अपनी बात कहूंगा कि ये जो ताजो तख्त है कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे, कुछ अपनी जगह